जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मीन राशि वालों का 6 और 7 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले 2 दिन। चलिए जानते हैं। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी, इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। आपकी सेहत और मिजाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपके कोई करीबी बीमार पड़ सकते हैं या बीमारी के लक्षण दिखा सकते हैं, उन पर नजर रखें। जब भी हो सके उनकी मदद करें। घर पर भी कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताएं। बाहर जाने या खाने से बचें। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ उठाना चाहिए। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सबसे आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा, जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है, लेकिन यह ठीक है। काम से एक दिन की छुट्टी लें और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य और शांत रहेगा। किसी तरह का कोई बदलाव आज आपके जीवन में नहीं होना है। आप बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। जीवन में किसी तरह की प्रगति करने का कोई बड़ा अवसर सामने नजर नहीं आएगा। बेहतर रहेगा कि आप आज के दिन का उपयोग अपनी पहले से प्राप्त उपलब्धियों को पुष्ट करने में करें, और अगर उसमें भी आपका मन न लगे तो आप आज विश्राम कर सकते हैं। कोई बड़ा एजेंडा सामने न होने का एक और लाभ यह होगा कि आज आप अपनी साज सजा पर, श्रृंगार आदि पर ज्यादा ही ध्यान देंगे, और चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आज घर से निकलने के पहले काफी समय दर्पण के सामने बिता रहे हो सकते हैं। लोगों से बातचीत और व्यवहार में भी आपका अंदाज कोमलता भरा और थोड़ा चालाक चतुर किस्म का रहेगा। ऐसे में आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो स्वभाव से बहुत स्वच्छंद हो। आप इस व्यक्ति को या उसके स्वभाव व्यवहार को घटिया जताने की कोशिश न करें। आज आपके अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। अगर परिवार या पैसों से जुड़े किसी मामले को लेकर बहस हुई तो बात गंभीर रूप भी ले सकती है। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। जहाँ से आपको धन मिलने की उम्मीद थी, आज वहाँ से आपको निराशा मिल सकती है। आज आपकी पैसों की स्थिति कमजोर ही रहेगी। नौकरी में आज आपके दफ्तर का माहौल थोड़ा निराशाजनक रहेगा। आलस्य और लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। थकान, आलस्य और बेचैनी रहेगी। आज विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मेहनत करने पर सामान्य सफलता मिलेगी। आज आपका पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। आप आज के दिन का बेहतर उपयोग सुस्ताने में कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य और शांत रहेगा। किसी तरह का कोई बदलाव आज आपके जीवन में नहीं होना है। आप बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। जीवन में किसी तरह की प्रगति करने का कोई बड़ा अवसर सामने नजर नहीं आएगा। बेहतर रहेगा कि आप आज के दिन का उपयोग अपनी पहले से प्राप्त उपलब्धियों को पुष्ट करने में करें, और अगर उसमें भी आपका मन न लगे तो आप आज विश्राम कर सकते हैं। कोई बड़ा एजेंडा सामने न होने का एक और लाभ यह होगा कि आज आप अपनी साज सजा पर, श्रृंगार आदि पर ज्यादा ही ध्यान देंगे, और चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आज घर से निकलने के पहले काफी समय दर्पण के सामने बिता रहे हो सकते हैं। लोगों से बातचीत और व्यवहार में भी आपका अंदाज कोमलता भरा और थोड़ा चालाक चतुर किस्म का रहेगा। ऐसे में आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो स्वभाव से बहुत स्वच्छंद हो। आप इस व्यक्ति को या उसके स्वभाव व्यवहार को घटिया जताने की कोशिश न करें। व्यापार और व्यवसाय में भी अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना अधिक है। जिन लोगों की दशा अच्छी चल रही है वे नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। मान सम्मान का भी इन्हें फायदा मिल सकता है। परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा, लेकिन जिनकी दशा प्रतिकूल है वे मानसिक उलझन और सुस्ती महसूस करेंगे।
दिन अच्छा बीतेगा, काम में व्यवधान आ सकता है, आर्थिक मामलों में अभी हाथ तंग रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योजनाएं शुरू होकर समाप्त हो सकती हैं, आय की वृद्धि होगी, आनंद प्रमोद और मनोरंजक प्रवृत्तियां दिन भर चलती रहेंगी, घर की साज सजावट में आज नयापन लाएंगे, घर को सजाने की व्यवस्था में भी परिवर्तन आज करेंगे, वाहन सुख भी मिलेगा, जो सटे व लॉटरी के चक्कर में न पड़े, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, घर परिवार की चिंता बनी रहेगी, विवाद से क्लेश हो सकता है, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, सामाजिक प्रसंग में कहीं बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित होगा, रमणीय स्थान पर प्रवास का आनंद लुटा सकेंगे, मानसिक परेशानियां कुछ कम होने से आज आपको राहत मिलेगी, पैसों को लेकर चल रही समस्या का आज समाधान हो जाएगा, मुमकिन है आपको किसी से वित्तीय सहायता मिले, कुछ समय से आप स्वयं पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे लेकिन आज आप अपने लिए भी समय निकालेंगे, कार्य क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी, यदि आपका कोई काम किसी वजह से अटक रहा है तो आज आपके वरिष्ठों की मदद से वे पूरा हो जाएगा, व्यापार से जुड़ी यात्रा बहुत ही लाभदायक रहेगी, यदि आप सिंगल हैं तो प्रेम प्रस्ताव मिलने का योग बन रहा है, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति रहेगी, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा, सेहत को लेकर ज्यादा चिंता न करें, आज किसी तरह की समस्या नहीं होगी, आज आप निष्क्रियता एवं थकावट महसूस करेंगे, यह आपके सक्रिय स्वभाव के विपरीत होगा, सहजता से क्षुब्ध भी हो जाएंगे, ध्यान से आपको उस तनाव और दबाव से निपटने में सहायता मिलेगी जिससे आप पीड़ित होते हैं, तनाव आपकी शारीरिक मजबूती और ताकत को समाप्त करेगा, अब आपको भगवान की दी कुशलता जिसे आप अभी तक नजरअंदाज करते आए हैं उसे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, आपकी व्यस्त दिनचर्या अब सुगम बन सकती है और आपको पसंदीदा चीजें करने में मदद मिलेगी, आज के दिन आपको ध्यान रखना होगा कि छुट्टी होने के बावजूद भी आप आराम नहीं कर पाएंगे, काफी दिनों से कई ऐसे काम आपकी राह देख रहे हैं जिनको निपटाने में ही पूरे दिन निकल सकता है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको भी इसी ओर चलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर ऑफिस में छोटी छोटी गलतियों पर बॉस के खूब का भाजन बनना पड़ सकता है, व्यापारियों को ग्राहकों के साथ बहुत विनम्र स्वभाव रखते हुए सौदे करने होंगे, इन्फेक्शन से संबंधित दिक्कतों को लेकर परेशान होना पड़ सकता है, महिलाएं घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, साथ ही घर के बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर चिंता हो सकती है, वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें, जीवन साथी से सलाह लेंगे तो फायदा हो सकता है, पैसे कमाने की योजनाएं बनाएंगे, नौकरी में कोई बहुत अच्छा ऑफर भी मिल सकता है, कुछ दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, आपके दिमाग में लगातार प्लानिंग चलती रहेगी, ऑफिस में साथ वाले लोगों की मदद मिल सकती है, आपकी राय से लोगों को फायदा हो सकता है, आज आपको बेवजह तनाव लेने की जरूरत नहीं है, किसी काम से अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आज आप अच्छा महसूस करेंगे, एकाग्र होकर अपने कार्य क्षेत्र में लगे सफलता मिलने का योग बन रहा है, आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, छोटे बच्चे को कुछ गिफ्ट करें, आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा, रोजमर्रा के कामों में फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी के काम भी पूरे हो सकते हैं, आपके लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है, कामों में व्यस्तता के चलते आप अपने शरीर पर ध्यान कम देंगे जिससे शारीरिक रूप से थकावट हो सकती है, इनकम में बढ़ोतरी होने का अंदेशा है, इसलिए इस दिशा में विशेष प्रयास करें, आप धार्मिक आचरण करेंगे और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, दांपत्य जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी और आपका जीवन साथी आपको कोई ऐसी युक्ति बताएगा जो आपको धन लाभ देगी, प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए भी दिन काफी बेहतर रहने वाला है, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपका कार्य समय रहते पूरा हो जाएगा, खुशी महसूस होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, घर पर अचानक कोई दोस्त आ सकता है, उनके साथ किसी खास विषय पर बातचीत हो सकती है, इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, संतान को सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता होगी, आज के दिन मंदिर में नारियल का दान करें, सूर्य के अशुभ प्रभाव से बच्चे रहेंगे, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मीन राशि वालों का 6 और 7 अप्रैल 2021 का दैनिक राशि फल, दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान
YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।